सलाम तक नहीं किया, मेरे दिल में ये आधी आग लग गई कि मैं इससे इंतकाम लूंगा, इसको रुसवा करूंगा, जलील करूंगा। अब अंदाजा करें, जब उसको बुलाया गया, मुद्दा हाल है जिसके ऊपर दावा था कि भाई इस भाई को आपने ये मामूली तकलीफ क्यों दी, कहने लगा कि मैं उस दिन घर के मामला से इतना परेशान था, बच्चों के मामला, घर वालों के मामला, घर से बाहर निकला मेरी तो उस भाई पर नजर ही नहीं पड़ी कि वो बैठा हुए थे सलाम खान। कुछ मामला ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी अना और अपनी सास की वजह से अगले को निचला दिखाने के लिए, उसे रुसवा करने के लिए, और ये भूल कर कि इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में। तभी तो फरमा हुआ तो इज्जु मन तशा हुआ तो जिल्लु मन तशा, ये इज्जत और जिल्लत जो है अगर मैं अपने बंधु के हाथ में देता तो ये छोटी छोटी दुकानें हर कोई खोल के बैठ जाता अपने अपने इलाके में, फला की इज्जत मेरे पास, फला की जिल्लत मेरे पास, इस तरह नहीं है। तो किसी मोमिन मुसलमान भाई के मुतालिक अच्छा गुमान करना, उसकी इज्जत चादर और चार दीवारी का ख्याल करना, अल्लाह ताला तेरी निगहबानी करेगा, तेरी हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि तू अपने मोमिन मुसलमान भाई के लिए अच्छी सोच रख रहा है तो अल्लाह ताला तुझे मजीद इज्जत अता फरमाएगा। तो बहरहाल ये चंद बातें